यूपी के चुनावी समर में सपनों की लड़ाई है। अखिलेश यादव को बार बार सपने आ रहे हैं कि भगवान कृष्ण उनसे ये सपने में आकर बोल रहे हैं कि इस बार तो अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश को सपना आया मगर बीजेपी को ये नहीं भाया। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है अखिलेश यादव के सपने तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। लेकिन सपनों की इस लड़ाई के केंद्र में है मथुरा। हर गुजरते वक्त के साथ मथुरा आखिर इतना महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के लिए क्यों होता जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है हमें हर दिन सपनों में आते। तो फिर किसके सपने में सच्चाई है, इस बात पर वार पलटवार जारी है। लेकिन ये तय है कि कृष्ण की नगरी के नाम पर यूपी में सियासी लीला की तैयारी है। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। यही वजह है कि श्री कृष्ण का नाम लेकर अखिलेश ने विजय का विश्वास जताया है। तो योगी आदित्यनाथ ने लोगों को जवाहर बाग याद दिलाया है, समाजवादी पार्टी को कंस का उपासक बताया है। वहाँ पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था, वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सीटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 2012 से 17 के बीच पहला दंगा कहीं हुआ था, उसी मथुरा की धरती में कोसी कला से प्रारंभ हुआ था। जवाहर बाग की घटना उसी मथुरा जिले में हुई थी। अब ये भी जान लीजिए कि कान्हा की नगरी मथुरा क्यों सियासी कुरुक्षेत्र बनी हुई है, गोपाल के धाम पर नई सियासत क्यों ठनी हुई है। योगी आदित्यनाथ की चुनावी सीट इस पूरी चर्चा का सार है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बार चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। योगी के बयान के बाद चर्चाएं जोर हैं और मथुरा के नाम का ही शोर है। इस बीच राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी, श्री कृष्ण की प्रेरणा से योगी आदित्यनाथ को मथुरा से प्रत्याशी बनाने की उन्होंने मांग की। अखिलेश ने इस चिट्ठी के बाद श्री कृष्ण के सपने का राज खोला तो योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण के बहाने ही अखिलेश पर हमला बोला। मैं जानता हूं जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। आगे फैसला कुछ भी हो, लेकिन कृष्ण के नाम पर जनता को जोड़ने की कवायद पर सियासत गर्म है। बीजेपी नेताओं के बयानों के बाद अब मथुरा पर विपक्ष की भी नजर है, पर बीजेपी बार बार जीत का भरोसा जता रही है और अखिलेश के सपने को मुंगेरी लाल के सपने बता रही है। इनका वाकई कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी का सपना आ रहा था, भगवान श्री कृष्ण का सपना आने लगा, तो सपने तो देखना चाहिए और सपने अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा यह मानना है कि श्री अखिलेश यादव जी को 2022 के लिए प्रयास बंद कर देना चाहिए, तैयारी 2027 की करना चाहिए। 2022 का फैसला जनता ने कर दिया है, केवल वोट पड़ना बाकी है, गिनना बाकी है, चुनाव की तिथि घोषित होगी, वोट पड़ेंगे, वोटों गिनती होगी, सपा का सूपड़ा साफ होगा। बाहुबलियों की सुरक्षा का इरादा, फ्री बिजली का वादा करने वाले सपने के सौदागरों को सपने में ही सरकार याद आएगी, इसके अलावा तो कुछ याद आएगी नहीं। इस वार पलटवार के बीच मथुरा के नाम पर बीजेपी अपना हिंदुत्ववादी एजेंडा आगे बढ़ा रही है। किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी ने कमजोर पड़ी पकड़ को मजबूत बना रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 110 सीटों में से 88 सीटों पर जीत हासिल की थी और पश्चिमी यूपी के दम पर उत्तर प्रदेश में 15 साल से चले आ रहे सत्ता के वनवास को खत्म किया था। अब इस लड़ाई के केंद्र में मथुरा है, जिसके नाम पर नई सियासी जंग जारी है। कान्हा की नगरी से चुनावी जीत की तैयारी है। देवबंद से कुमार कुणाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।